दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आपने जो टाइटल पढ़ा वो बिल्कुल सही है, सलमान खान की लापरवाह फैमिली। दोस्तों एक तरफ सलमान खान कोरोना से बचने के लिए अपना हैंड सैनिटाइजर बीइंग ह्यूमन के माध्यम से बेच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो उनकी फैमिली है वो कोरोना की धज्जियां उड़ा रही है। जो कोरोना के रूल्स बनाए गए हैं कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से नहीं रहना है, और खासकर जब आप विदेश गए हो घूमने के लिए और वहां से लौट कर आए तो उसके बाद के जो रूल्स बनाए गए हैं वो बहुत ही कड़े नियम है, उनका पालन करना है। लेकिन जो सलमान खान की फैमिली है वो इन नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है। कहने का मतलब ये है कि सलमान खान पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन उनकी खुद की फैमिली उनके ही ज्ञान को फॉलो नहीं कर रही है। तो हुआ ऐसा कि अरबाज खान, सोहेल खान और उनका बेटा निर्वाण खान तो ये दिनों क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन दुबई से लौटे, दुबई की यात्रा पर गए हुए थे। वहां से लौटे तो इन्हें होटल ताज लैंड्स में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना था। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक दिन जिस रात ये लोग मुंबई में आए उस दिन होटल ताज लैंड्स में रुके और उसके दूसरे दिन ही अपना सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़े। जब ये बात बीएमसी को पता चली तो बीएमसी ने बहुत ही बड़ा कड़ा एक्शन इनके ऊपर ले लिया है। बीएमसी ने सबसे पहले इन सभी का कोरोना टेस्ट किया जहां पर इनकी जो टेस्ट है वो निगेटिव आई। लेकिन इसके बाद भी बीएमसी ने इनके ऊपर कड़ा नियम लेते हुए मुंबई पुलिस को इन सभी के ऊपर केस फाइल करने के लिए कह दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो कोरोना के नियम बनाए हैं इनका इन सभी ने उल्लंघन किया है। खबर ये भी सुनने में आ रही है कि इन तीनों को ही वापस से ताज लैंड्स में क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन खबर ये भी मिल रही है यूके की गवर्नमेंट ने 1.5 महीने के लिए कोरोना का लॉकडाउन लगा दिया, यानी कोरोना का जो वहां पर एक नया रूप आया है, जो एक विकराल रूप ले रहा है वापस से कोरोना का, उसके चलते वहां पर कोरोना के केसेस और भी ज्यादा बढ़ गए, जिसके चलते वहां की सरकार ने फैसला लिया कि अब 1.5 महीने का लॉकडाउन बना रहेगा। तो सोच लीजिए कि अगर वही स्थिति भारत में फिर से उत्पन्न हो जाए, फिर से पैदा हो जाए तो क्या होगा। पिछले एक साल से हम सभी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कोरोना नहीं है, गवर्नमेंट बेवकूफ बना रही है, लेकिन जो इतनी सारी मौतें हुई है वो सब क्या है, ऐसे ही तो नहीं मरे। तो हमें जो भी हो कोरोना का जो भी नियम है फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी खुद की सरकारें भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करती हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को देख लो, वो बिना मास्क लगाए घूमते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ये जहां जहां पर अपनी पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं ये तमाम दुनिया भर की भीड़ जमा कर रहे हैं। इनका बस एक ही मकसद है कि चुनाव जीतना है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर जीतना हो, चाहे कोरोना भले ही कितना न फैल जाए, चाहे बिहार में हुआ हो, हैदराबाद का नगर निगम चुनाव हुआ हो या कहीं पर और भी हुआ, जिस तरह से कोलकाता में इतनी भीड़ जमा की जा रही है, जो कोलकाता में चुनाव आने वाले हैं उसके लिए, तो सारी पार्टियां जो है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना काम कर रही है। तो सेलिब्रिटी है ये भी अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए। अगर सोच लीजिए कि आम जनता जब रूल्स तोड़ती है इस तरह के, तो किस तरह से उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती है ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लॉकडाउन में भी हम सभी ने देखा कि किस तरह से आम जनता को दड़ा दड़ा कर पीटा गया जब उन्होंने कोरोना का नियम तोड़ा था। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे जिन्हें अगर अस्पताल जाना हो या किसी चेकअप के लिए जाना होता था तो अपनी गाड़ी निकालते थे और निकल जाते थे। क्यों भाई? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि सलमान खान इस विषय पर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या फिर मौनी बाबा बनकर बने रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि भारत में फिर से कोरोना का लॉकडाउन लग सकता है क्या, और अगर लग गया तो फिर आगे की स्थिति क्या होगी, जरा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।